नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे सी डैक की सीधी भर्ती के बारे में। इस भर्ती का दोस्तों नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इस भर्ती के लिए मेल तथा फीमेल दोनों ही अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों आप इंडिया के सभी राज्यों से इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपका सपना है सी डैक की नौकरी करने का और यदि आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। इसमें दोस्तों भर्ती हो रही है अटेंडेंट की तथा जूनियर असिस्टेंट की और अदर पोस्ट की। यदि दोस्तों आपकी एज 30 साल तक भी है या 35 साल तक भी है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे और इसमें सैलरी भी दोस्तों आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगी। इस भर्ती के लिए आज की डेट से दोस्तों ऑलरेडी अप्लाई होना भी शुरू हो चुका है। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि प्रत्येक सरकारी नौकरी की रियल व ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो तो दोस्तों जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों भर्ती की पूरी इन्फॉर्मेशन समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहेगा। इस वीडियो में दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आज की भर्ती में किस किस पोस्ट की भर्ती है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और इस भर्ती का लोकेशन क्या है। दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आज की भर्ती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो गाइज आगे बढ़ेंगे, जैसे बताया दोस्तों आज हम बात करेंगे सी डैक की सीधी भर्ती के बारे में। दोस्तों आज की इस भर्ती के लिए मेल तथा फीमेल दोनों ही अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आता है और इस भर्ती के लिए दोस्तों आप इंडिया के सभी राज्यों से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगी। आपका स्टार्टिंग का पे स्केल होगा पोस्ट वाइज 19,900 से लेके 44,900 प्लस आपको अदर अलाउंसेस भी दिए जाएंगे और इस भर्ती के लिए एज लिमिट रखी गई है 30 साल तथा 35 साल। साथ ही साथ दोस्तों आपको कैटेगरीज वाइज एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। फीस की बात करें तो इसमें ₹500 फीस है और इस भर्ती में SC ST PWD EWS तथा फीमेल के लिए फीस एग्जेम्प्टेड है। ठीक है दोस्तों, फीस का भुगतान दोस्तों आपको ऑनलाइन मोड से करना है। जहाँ तक दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की बात है तो इस भर्ती में आपका एग्जाम तथा स्किल टेस्ट के बेसिस पे सिलेक्शन किया जाएगा और अप्लाई मोड की बात करें तो इस भर्ती के लिए दोस्तों आपको ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है। पोस्ट वाइज आपको अप्लाई करना पड़ेगा सेपरेटली। ठीक है, जहाँ तक डेट्स की बात है तो इस भर्ती के लिए दोस्तों आज की डेट से ऑलरेडी अप्लाई होना शुरू हो चुका है दोस्तों और इसकी क्लोजिंग डेट है, लास्ट डेट है 31 मार्च 2023। दोस्तों जहाँ तक पोस्ट की बात है तो इसमें भर्ती हो रही है दोस्तों अटेंडेंट की, जूनियर असिस्टेंट की, असिस्टेंट हिंदी सेक्शन की, टेक्निकल असिस्टेंट की तथा सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो जो कैंडिडेट ग्रेजुएट हैं दोस्तों, सिंपली ग्रेजुएट हैं, वे अप्लाई कर सकते हैं अटेंडेंट की पोस्ट के लिए। और जो कैंडिडेट ग्रेजुएट हैं और उनके पास 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट है तो वे अप्लाई कर पाएंगे जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए तथा असिस्टेंट हिंदी सेक्शन की पोस्ट के लिए। ठीक है दोस्तों, जिन कैंडिडेट के पास डिप्लोमा है या डिग्री है दोस्तों कंप्यूटर एप्लीकेशन की तो वे अदर पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको दोस्तों भर्ती की नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं भर्ती की नोटिफिकेशन, यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट वाइज, यहाँ से आप डिटेल देख सकते हैं तथा अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक दोस्तों मैंने दे रखा है। ठीक है, अब बात करेंगे आज की भर्ती के लोकेशन के बारे में। तो दोस्तों आज की भर्ती का लोकेशन है मुंबई यानी कि महाराष्ट्र। तो गाइस ये था आज की भर्ती का शॉर्ट डिटेल। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आप दूसरों का भला चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों व जानकारों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।